देखो, अगर आपको रिलेशन प्रूव करना है या रिलेशन निकालना है किसका, म्यू ऑफ आर इज वन प्लस काए, तो आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि सपोज करो मैंने किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया, कैसे, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एच। तो एच के यूनिट तो एम्पियर पर मीटर है, पर मेरे से किसी ने पूछा आपने कितना टेस्ला अप्लाई किया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं इसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, टेस्ला में। तो मैंने इतना टेस्ला इसको अप्लाई किया। अब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो सब्सटेंस कहते हैं देखो मैं मैग्नेटाइज हुआ कितना, आई मैग्नेटाइज हुआ। अब आई के यूनिट्स क्या है, एम्पियर पर मीटर। तो मैंने सब्सटेंस से पूछा तू कितने टेस्ला मैग्नेटाइज हुआ, या तू जो मैग्नेटाइज हुआ तो तेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर भी किस में आ जाएगा, इन टेस्ला ही आएगा। वो क्यों, क्योंकि इसके और इसके यूनिट्स सेम है। तो इसको अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर टेस्ला आएगा, तो आई को भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेस्ला आएगा। बस फर्क यह है कि इतने टेस्ला हमने दिया और ये टेस्ला हमें मिला उस सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के बाद। राइट, क्लियर है यहां तक। अब सपोज करो आपके पास एक सोलेनोइड है, एक सोलेनोइड वैक्यूम में पड़ा हुआ है और उसने बी जनरेट किया, बी नॉट, और बी नॉट की वैल्यू क्या होगी इसमें, म्यू नॉट टाइम्स एच, सिंपल। ठीक है, म्यू नॉट एन आई, एन आई की जगह एच। सपोज इसके अंदर आपने एक स्पेसिमेन मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, तो वो क्या हो गया, वो मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। जब वो मैग्नेटाइज हुआ तो उसके वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, आई। इससे पूछा तू भी तो बी कंट्रीब्यूट करेगा, कहता हाँ मैं भी करूंगा, कितना करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा म्यू नॉट टाइम्स आई, क्योंकि आई मैग्नेटाइज हुआ ना, तो ये भी तो टेस्ला लगाएगा कुछ ना, तो कितना लगाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो अब सोलेनोइड के अंदर टोटल बी की वैल्यू कितनी इकट्ठी हो गई, म्यू नॉट इंटू एच तो सोलेनोइड का है ही है, प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई भी हो जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसके इक्वल हो गया। अब ये मीडियम प्योर वैक्यूम नहीं रहा, क्योंकि वैक्यूम में क्या ऐड हो गया, आयरन या स्पेसिमेन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, बी ऑफ मीडियम। तो अब ये नया मीडियम का बी हो गया, यानी कि नेट बी क्या हो गया, जो सोलेनोइड ने जो जनरेट किया था वो तो है ही है, मैग्नेटिक सब्सटेंस का भी साथ में कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये रिजल्ट यहीं से स्टार्ट है। ये देखो कि अगर आपको रिलेशन निकालना है तो ये सोलेनोइड का बी नॉट है, म्यू नॉट एच, और ये बी किसने किया, स्पेसिमेन ने किया, तो टोटल बी ये आ गया। बी के पैर में एम डाल सकते हो, ये नेट भी वैक्यूम का नहीं है, ये मीडियम का है, वैक्यूम से ज्यादा है। इसमें म्यू नॉट कॉमन आ गया, काई क्या होता है, आई बाई एच, आई क्या होता है, काई इंटू एच, आई की जगह काई इंटू एच, एच बाहर आ गया, एच इसके नीचे आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि अगर मैं म्यू नॉट लूं, म्यू नॉट और एच से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बी नॉट आएगा, पर अगर मैं म्यू एम लूं और एच से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बी एम आएगा, मीडियम आएगा। और अगर मैं कुछ भी ना लिखूं, कुछ ना लिखने का मतलब मीडियम ही तो होता है, तो ये भी बी मीडियम ही तो होता है। तो यहां पर बी बाय एच की रेशियो क्या आ जाएगी, म्यू आ जाएगी, म्यू। तो यहां से म्यू बाय म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू आर, क्योंकि आज की हमने म्यू इन मीडियम, म्यू इन म्यू नॉट की रेशियो क्या होती है, म्यू आर। तो ये प्रूव किया जा सकता है इस तरीके से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, इसकी एप्लीकेशन क्या है अभी थोड़ी देर में करेंगे, इसको यूज कैसे करना है।